हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं जा रहा हूँ आज पिज़्ज़ा डोसा बनाने और मैसूर मसाला डोसा बनाने तो चलो आप लोगों को बताता हूँ कैसे से कैसे आप कौन कौन सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो दोस्तों, मैंने तवा पहले सफ़ा कर लिया है और तवा सफ़ा करने के बाद पेपर डोसा डालता हूँ। चलो डोसे का बैटर डाला है और पेपर डोसा घुमा देता हूँ। जब तक मैं पेपर डोसा घुमाता हूँ दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों को बोलता हूँ मेरा वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने पेपर डोसा अच्छे से घुमा देता हूँ। तो दोस्तों, अच्छे से पेपर डोसा घुमाता हूँ और डोसे का बैटर है जो अपना रवा बेसन से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने चार पेपर डोसा मार देता हूँ एक साथ। चलिए दोस्तों, अभी मैंने पेपर डोसा घुमा दिया, अभी इसमें लगाता हूँ बटर। बटर को अच्छे से लगा देता हूँ चारों डोसा में। इसमें डालता हूँ वेजिटेबल, अपना एक पिज्ज़ा डोसा है और पिज्ज़ा डोसा एक मैसूर भाजी डोसा है और एक मसाला एक मैसूर है। तो दोस्तों, पिज्ज़ा डोसा में मैंने ओनियन डाला है, शिमला मिर्च डाला है और टमाटर डाला है मैंने, थोड़ा सा पत्ता गोभी डालता हूँ। चलिए दोस्तों, सीजवान चटनी थोड़ा डाल देता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, आलू का मसाला डाल देता हूँ मसाला डोसा में, दूसरे में भी मसाला डोसा डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैसूर भाजी वाले में मैसूर डालूँगा। तो दोस्तों, मैसूर भाजी में मैसूर की भाजी डाला है मैसूर जो है, और थोड़ा सा इसमें डालता हूँ धनिया और थोड़ा टमाटर और डाल देता हूँ, क्योंकि वो मैसूर भाजी डोसा है। तो क्या है, मैसूर मसाला का जो मैसूर है तो वो अपना रेडीमेड करके रखते हैं, और जो स्टोपिट है और अलग से टमाटर डाल दिया मैंने उसने। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा डोसा में चिल्ली सॉस टमाटर सॉस डाल देता हूँ, मिर्ची पाउडर डालता हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग रोस्टेड मसाला दोस्तों। तो एक पिज़्ज़ा सॉस डाल देता हूँ दोस्तों, डेढ़ चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाला है मैंने इसमें, और अच्छे से इसको प्रेस करता हूँ वेजिटेबल को। तो चलिए दोस्तों, वेजिटेबल को अच्छे से मैंने मिक्स कर देता हूँ, और दूसरा जो स्टोपिट है मैसूर भाजी उसको भी अच्छे से मिक्स करता हूँ। तो थोड़ा से पानी ऐड कर देता हूँ दोस्तों मैसूर भाजी में। तो अच्छे से दोस्तों इसको भी पकाता हूँ मैं, और थोड़ा से पानी और थोड़ा सा तेल ऐड कर देता हूँ मैसूर भाजी में दोस्तों। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा डोसा में पनीर का टुकड़ा डाल देता हूँ मैं ढेर सारा। तो दोस्तों, अभी वेजिटेबल जो है पिज़्ज़ा डोसे का अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसको पूरे डोसे में लपेट देता हूँ, फैला देता हूँ मतलब कि। और अपना मसाला डोसा जो है उसको निकालते हैं, पक चुका है अच्छे से, क्रंची हो चुका है, और मैसूर भाजी को भी अच्छे से पका देते हैं और प्रेशर मारते हैं और अच्छे से प्रेस करके मिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मसाला डोसे को अच्छे से पक चुका है, इसको निकाल देते हैं दो पीस कटिंग करके चार पीस में। तो अभी दोस्तों, मैंने मसाला डोसा निकाल दिया है, और अपना पिज़्ज़ा डोसा में पहले इसको निकालते हैं मैसूर भाजी डोसा को। और अपना पिज़्ज़ा डोसा अच्छे से पक रहा है और वेजिटेबल अच्छे से पकेगा दोस्तों, तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा और खाने में।
तो दोस्तों बटर मैसूर है, उसमें बटर थोड़ा से अलग से दिया है मैंने, डाल दिया है। और इसको पेपर डोसा को निकाल देते हैं। तो दोस्तों पेपर डोसा मैंने निकाल देता हूँ, तो पेपर डोसा निकल गया मैसूर भाजी का। अभी पिज़्ज़ा डोसा की मैं कटिंग कर देता हूँ अच्छे से चार पीस में, चार पीस में पिज़्ज़ा डोसा कटिंग करूँगा। तो अच्छे से चीज़ को ग्रेटर करता हूँ दोस्तों, पूरे डोसा में चीज़ ढेर सारी ग्रेटर करूँगा। तो चीज़ का टुकड़ा जो है नीचे गिर चुका है, तो उसको अच्छे से उठा करके फिर घिसता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों और चीज़ घिसूँगा इसमें। तो दोस्तों इसमें चीज़ मैंने घिस दिया ढेर सारा। तो दोस्तों चिल्ली चीज़ को घिसता हूँ अच्छे से, चीज़ घिस दिया है मैंने इसमें चीज़ अपना पिज़्ज़ा डोसा में। और इसको ऊपर से अभी हरी धनिया मारूँगा, हरी धनिया और हरा प्याज दोनों मिक्स करके डाल दिया दोस्तों। दोस्तों इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। दोस्तों इसमें फ्लेश डाल देता हूँ, जो ब्लैक कलर होता है पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं फ्लेवर के लिए। दोस्तों अपना पिज़्ज़ा डोसा है जो नीचे से अच्छे से पक चुका है, और इसको अच्छे से निकालते हैं, ये वेलेस पड़ चुका है ब्लैक्स। तो दोस्तों पिज़्ज़ा डोसा को मैं निकाल देता हूँ, चार पीस में कटिंग करके रखा है, और इसको अच्छे से निकालता हूँ डिश में। खाने में बहुत बेहतरीन है और टेस्टी लगता है दोस्तों, ये जो अपने हाथ से बनाते हैं और पिज़्ज़ा डोसा है, और नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी रहता है, तो और ज़्यादा क्रिस्पी रहता है तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। तो चलो डोसा जो है रेडी हो चुका है, निकाल देता हूँ इसको। और ऐसे ऐसे रोज़ रोज़ वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर।